हमारे बीच में पहुंचे हमारे मुख्य अतिथि मैडम सुदेश जी और बहन रिमन नैन जी और भी जो टीम के साथी आए हैं, हम गांव गाजूवाला की तरफ से यहां पहुंचने पर उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि देखो, आज एमएस भाई ने मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए प्रोग्राम चलाना, ने 8 हो गए, 8 भी बहुत है। तो आज का टाइम में मतलब इतने लोग इकट्ठे करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाए भाई के लिए। और उसके बाद हर दिन कोई ना कोई कलाकार वो बुला के लाना, वो उससे भी बड़ी बात है, इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाए। क्योंकि जो ये कलाकार आते हैं, ये कोई पैसों के भूखे नहीं होते, ये सभी कोई सोशल है, मतलब ये अपने प्रेम प्यार में आते हैं। तो एक बार आप जादूगर भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और जो आज हमारे बीच में पहुंचे हैं मैडम सुदेश चहल जी और रिमन नैन जी, सुदेश चहल जी बड़ी समाज सेवा में आगे रहते हैं, मैडम का स्कूल भी है खरकपुनिया रोड के ऊपर, और रिमन नैन जी है, ये भी बड़े अच्छे, आपने काफ़ी वीडियो देखी होगी इनकी भी, मतलब बहुत क्रांतिकारी विचारधारा की। एक बार रिमन नैन के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और एक शत्रुघ्न सिन्हा असली में है कि? अच्छा अच्छा मैं एक शत्रुघ्न सिन्हा और मुकेश मित्तल, ये भी अपने बीच में पहुंचे, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं भाई। मैं तो आपको एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ आ लिए और आने भी लग रहे हैं, कि सबसे बड़ा आदमी ने क्या काम करना चाहिए, अगर धरती पर स्वर्ग चाहते हैं, कि जो आपे अंदर है ना वही बाहर हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसे टाइम धरती पे स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि आमतौर पे क्या है, मैंने एक गाना लिखा था कि मानस के मानस सुप्रिया होया दिखावा सारा है, अरे मानस के मानस सुप्रिया होया दिखावा सारा है, शर्मदार मानस की इज्जत ठग चोर और डाकू तारा है, नकली दुनिया में देखी मैंने झूठी बोर बढ़ाई, अरे झूठ भी कह सरे आमूर सच पे चढ़ रही से कर डाई। क्योंकि आजकल है ना, मैं अभी देखने लग रहा था, आजकल बड़े बड़े फेसबुक पे भी रोर काफी जगह, मतलब चलो अच्छी बात है भाई। अब एक प्रैक्टिकल बात सोच के देखो भाई, दामन पारने चाहिए, दलिया खिचड़ी खानी चाहिए, वो होना चाहिए, पुराना टेम होना चाहिए, फिर तो आप पुराना टेम में जाने लग रहे हैं। ऐसे ऐसे देखे मैंने भाषण दें दे, जो मतलब नहीं हुआ, दामन पारना चाहिए, खिचड़ी खानी चाहिए, दलिया खाना चाहिए, और खुद जींस की पैंट पहन रही है, सोचने वाली बात है नहीं ये? तो हाँ, अपने संस्कारों को छोड़ना नहीं चाहिए, आधुनिकता के साथ जो अपने संस्कार है उनको साथ में लेके चलो। अगर कोई भाई जींस पा रहा है या कोई भी अपनी बहन है वो जींस पा रहा है, शर्ट पह रहा है, तो इसमें कोई बड़ी गलत बात को नहीं। कदे तड़के सवेरे निको एम एस जादूगर निकाह के गया था मैं, मतलब दमड़ कुर्ता पहनना कदे सारे स्कूल वाले अडेल है, क्योंकि जरूरी है, समय के साथ बदलाव जरूरी है। पुराने संस्कारों को भी अपने साथ में रखो और जो अपने नए संस्कार है उनको भी अपने साथ में लेके चलो। और अपने बीच में जो दो महान शख्सियत आए, आज हम उनके विचार सुनेंगे। एक बार फिर मैं दोबारा दिल से यहाँ पहुँचने पर उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।